साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये आपकी दूसरी वीडियो है जो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है टीजीटी पीजीटी और रियलिटी को ध्यान में रख के। ये उसकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आपने प्यार दिया बहुत सारा, उसको देखा। बहुत सारे लोग डेमो क्लास के लिए परेशान थे, इसीलिए मैंने 3 दिन का सेशन रखा है डेमो क्लास का। ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो उनका कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएगा। हमने 3 दिन का डेमो क्लास रखा है, ठीक है, जिनमें से एक वीडियो आपको मिल गया है, दूसरा वीडियो ये अभी आप देख रहे हैं, और इसके अलावा तीसरा वीडियो आपको कल मिलेगा, यानी कि 1, 2, 3। ये वीडियोज़ हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि आप इसे परख पाएँ, समझ पाएँ कि हम किस प्रकार का कंटेंट अगले 3 महीने आपको देने वाले हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी TGT PGT आर्ट के नाम से ही है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप सीधे ग्रुप में जा करके ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी, कोर्स से संबंधित किताब लेना चाहते हैं तो आप सीधे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9616 82 76 46। ये हमारा नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो यदि आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 3 दिन डेमो क्लास है, आपको उसका PDF भी मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा। पिछले वीडियो का PDF और टेस्ट मिल चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। जो नए लोग एकदम जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए सलाह ये है कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी न्यू बैच की, जो कि सितंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है। पूरा डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्लिक करेंगे आपको 2 से 3 वीडियो शो होंगे वहाँ पर, ठीक है, जिसमें 2 क्लास की वीडियो है, एक अपडेट का वीडियो मैंने उसमें डाला था, तो आप पहला क्लास भी उसको देख लेंगे। ठीक है, बाकी इसी क्रम में क्लास आपको मिलती चली जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे वीडियोस मिलेगा, कैसे टेस्ट हो, कैसे PDF, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उस पर भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बस बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं और बार बार मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। ठीक है, बात ये है कि वीडियो आपको सारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, यानी कि आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? यूट्यूब पर मिलेंगे। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर फिर पे करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियो हम पब्लिश करेंगे वो अनलिस्टेड होगा 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कई बार 3 दिन के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो अनलिस्टेड वीडियो जो हमारे पेड ग्रुप के लोग हैं उनको तुरंत मिल जाएगा। कैसे? उसका लिंक डायरेक्ट ग्रुप में मैं डालूंगा और जैसे लिंक ओपन करेंगे वीडियो उनको मिल जाएगी, यानी कि वो वीडियो पूरा देख पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं उसे पब्लिश करूंगा बाद में भी, लेकिन ये सर्विस उनके लिए है जो हमें पे करते हैं, उनकी सुविधा के लिए है। दूसरी बात, जैसे ही वीडियो समाप्त होगी, पूरा वीडियो देख चुके होंगे, उनको ग्रुप में PDF मिल जाएगा, वो PDF जो क्लास अभी उन्होंने पढ़ा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये कि उनको नोट्स बनाने से बचना पड़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनमें मोस्टली ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर रहा है, तो उसके पास समय का अभाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे केस में उसके लिए नोट्स बनाना, हर चीज़ को लिखना क्लास देख करके, ये बहुत मुश्किल होता है। मैंने उसे आसान करने के लिए ही ये काम किया है कि जो क्लास यहाँ आप देख रहे हैं, आपने कान में ईयरफोन लगाया, आपने क्लास पूरा देख लिया, लेकिन उसका नोट्स बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हर क्लास के बाद में मैं आपको PDF दे देता हूँ। इस PDF को आप इजीली 1-2 रुपया खर्चा करके इसका प्रिंट करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो मोबाइल में ही सेव करके रख लेंगे और बार बार देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज भी कर लेंगे, तो ये दूसरी सुविधा हो गई। और ये जो PDF है, ये टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, दोनों पेड ग्रुप होगा, वहाँ पर केवल पेड लोग ही ऐड हो पाएंगे। तीसरी बात, टेस्ट पर डे आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट होगा टेलीग्राम पर क्विज के रूप में, वो भी एक प्राइवेट चैनल पर। प्राइवेट चैनल का मतलब ये होता है कि मैं जिसको ऐड करूँगा सिर्फ वही ऐड हो सकता है। ठीक है,
तो होगा क्या, एक वीडियो आपको सुबह मिलेगा क्लास का और एक वीडियो आपको शाम को मिलेगा, यानी कि दो वीडियो पर डे आपको मिलेंगी। दो वीडियो ये करीब एक घंटे के हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 30 मिनट के आसपास एक क्लास होगी, एक घंटे के आसपास हो जाएंगे, तो पर्याप्त कंटेंट आपको मिल जाएगा। जैसे ही पर्याप्त कंटेंट आपको मिलेगा तो आप अपने आप को जांचना भी शुरू करेंगे कि क्या हमने कुछ सीखा इस क्लास से। तो उसके लिए हर रोज़ 7 से लेकर के 7:30 के बीच में आपका शाम को टेस्ट होगा। किस पर बेस्ड होगा, जो क्लास आपने उसी दिन सुबह 8 बजे और शाम को 4 या 5 बजे पढ़ी है उसका आपका एक टेस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट देंगे तो कुछ सवाल आपके गलत होंगे और आप जा करके फिर से उसको रिवाइज करेंगे, और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। यकीन मानिए 2 महीना से लेकर के 3 महीना आप हमें दे दीजिए इस तरीके से, उसके बाद में आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे कि TGT PGT LT ग्रेड का कोई भी पेपर आपको दे दिया जाए कला का, तो आप उसमें से, मैं ये आपको दावा करता हूँ कि 100+ हर पेपर में आप करेंगे। लेकिन ये जो सिस्टम मैंने बनाया है इसको आपको पर डे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते आपको आराम करने की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने देखा था कि जब हनुमान जी राम के सेवा में लगे हुए थे तो उन्होंने कहा भी था कि राम काज कीनो बिना मोहि कहाँ विश्राम, ठीक है। तो जब तक राम काज का मतलब क्या होता है कि वो सफलता जिसे आप पाना चाहते हैं, तो जब तक आप उसको हासिल नहीं कर लेते विश्राम नाम का कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन भी हम करवाएंगे हफ्ते में एक बार, जितनी भी क्वेरीज होंगे जितनी भी चीज़ें होंगी उस पर पूरा एक खुला बहस करेंगे, बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे अपनी बताएंगे, ठीक है। तो ये पूरी सुविधा आपको मिलने वाली है। तो फटाफट जो लोग पहली बार देख रहे हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें मैसेज करें या फ़ोन करें, सारा डिटेल को मैं बता दूंगा कैसे कोर्स ज्वाइन करना है। अब आते हैं क्लास पर। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको वहाँ पर छोड़ा था जहाँ से अब शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में बताया था, हम चूँकि यूरोपीय चित्रकला से स्टार्ट कर रहे हैं। यूरोपीय चित्रकला इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत थी कि जो कुछ बड़े नाम के कोचिंग हैं जिनके काम बड़े छोटे हैं उन्होंने पैसा ले लिया और यूरोपीय चित्रकला का इतिहास पढ़ाया ही नहीं, और उससे हर पेपर में जो है सवाल पूछे जाते हैं। अब वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि TGT के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो जो अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं उन मूर्खानंदों ने कभी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके नहीं देखा। एक्चुअली में वो मूर्ख नहीं है, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि वो अपना एक नाम का ब्रांड बना लिए हैं प्रचार करके और उसके बाद में आपको बेच रहे हैं अपने कंटेंट। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है आपका कोर्स उनके हाथ में फंसा होता है तो जो वो कहते हैं वो आपको मानना पड़ता है। इसीलिए मैंने यूरोपीय चित्रकला के इतिहास से ही क्लास को स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि किसी विद्यार्थी के मन में संशय ना रह जाए कि इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर कोचिंग वाले इसी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे समस्याओं का सवाल आपके जो है सवाल थे उसका जवाब मैंने दे दिया है। इसके अलावा भी यदि कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले वीडियो में उस पर हम जो है विस्तृत चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला के इतिहास से पढ़ना प्रारंभ किया था, उसके अर्थ को समझा था, वर्गीकरण को देखा था और जो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी उसको हमने कर लिया था। उसके बाद में आता है, जब आप यूरोपीय चित्रकला का इतिहास पढ़ते हैं तो फ्रेंको कैंटेब्रियन जो क्षेत्र है उसमें जो गुफाएँ पाई गईं उनके बारे में चर्चा करनी है। तो उनमें दो प्रकार की गुफाएँ हैं, एक है उत्तरी स्पेन की गुफाएँ और दूसरी हैं फ्रांस की स्थित गुफाएं, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं। तो अब है क्या, इस क्लास में हम उत्तरी स्पेन की गुफाओं पर चर्चा करेंगे और जो अगली क्लास होगी उसमें हम उससे आगे बात करेंगे, ठीक है। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, हमारे WhatsApp ग्रुप में और Telegram ग्रुप में, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये सुविधा केवल आज और कल आपको मिलेगी।
यानी कि 3 दिन का डेमो आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में ये सुविधा उनको मिलेगी जो हमारा कोर्स परचेज करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तरी स्पेन की गुफाएं, और इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है अल्तामीरा की गुफा। कौन सी गुफा? अल्तामीरा की गुफा। ठीक है, अल्तामीरा की गुफा हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये अल्तामीरा का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चित्र मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब जितने भी फैक्ट हैं अल्तामीरा से संबंधित, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण आप देख लेंगे, ये उत्तरी स्पेन की गुफाएं हैं। ठीक है, तो बहुत ही सामान्य सा एक सवाल हो गया कि अल्तामीरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? स्पेन में स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये गुफाएं 300 मीटर लंबी हैं। कितनी लंबी हैं? 300 मीटर लंबी हैं। ठीक है, स्पेन में स्थित अल्तामीरा गुफा के भित्ति चित्र विश्व की प्रागैतिहासिक कला के प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। बात क्या है, पहले ये माना जाता था कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो चित्र बनी, जो पेंटिंग्स बनी, वो इंसानों ने इसी क्षेत्र में बनाए, यानी कि अल्तामीरा में बनाए, स्पेन में बनाए। लेकिन दुनिया के आँख के सामने एक पर्दा खुला 2014 में, और उसके बाद में अभी 2021 में जनवरी में एक पर्दा खुला, इंडोनेशिया के एक गुफा से एक सुअर का चित्र प्राप्त हुआ, जो कि अभी तक जितने भी शोध थे उनमें सबसे प्राचीनतम पाया गया, 46,500 वर्ष पूर्व की ये घटना है। ठीक है, हिमयुग की घटना है ये। तो अब वर्तमान स्थिति क्या है, सबसे पुराना पेंटिंग कहाँ मिला? इंडोनेशिया में मिला। ठीक है, कौन से जानवर का है? सुअर का है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट अभी कुछ दिन पहले ही एक जर्नल में प्रकाशित हुआ था। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, हमने उसमें ज़्यादा विस्तृत चर्चा उस पर की है। ठीक है, यहाँ पर बस यही बताना हमारा उद्देश्य था कि ये जो स्पेन की गुफा है, इसको सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए, सबसे पहली चित्र यहीं से प्राप्त हुए, लेकिन ये अब बदल चुका है। चूना पत्थर की ये गुफाएँ लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, मेरे बनाए गए नोट्स के हर एक शब्द पर आप ध्यान देंगे तो सवाल वहीं से निकलते हैं। गुफा किससे बनी है? चूना पत्थर से। अब आप जल्दबाजी में इसको पढ़ के आगे निकल गए और ये आपके दिमाग में अस्थायी रूप से नहीं टिकता है। अच्छा, कई लोग ये सवाल हमसे करते हैं कि सर याद कुछ नहीं होता है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं याद होता है, कैसे याद करें? बहुत सारी चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कोई साइंस है क्या? थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपको कई ऐसी चीज़ें याद होंगी जो आपने क्लास 8 में पढ़ी होंगी, कई ऐसी चीज़ें आपको याद होंगी जो आपने क्लास 6 में पढ़ी होंगी, कई ऐसी चीज़ें आप भूल गए होंगी जो आपने कल पढ़ा है, कई ऐसी चीज़ें आपको अभी नहीं याद होगा जो एक घंटा पहले पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग का जो काम करने का फंक्शन है, उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ें आपको कितनी देर तक याद रहती हैं, या उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, या उसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों चीज़ें आप भूलते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आपको याद कैसे रह जाती हैं। थोड़ा सा मैं उस पर पर्दा उठाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में कैसे याद रह सकती हैं और उसके पीछे का साइंस क्या है। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल आप देखें, इस ट्रायंगल में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं सूचना। क्या कहते हैं? सूचना। मैं भी पूरा चर्चा करूंगा। जो इसका दूसरा वाला भाग हम बनाएंगे, इसको कहेंगे हम समझ। क्या कहेंगे? समझ। और जो तीसरा वाला हम बनाएंगे, इसको कहेंगे उपयोग। क्या कहेंगे? उपयोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ ये मुझे मेरे हाथ से ही लिखना होता है, तो बहुत अच्छे से नहीं लिखा है लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, अभाव है लेकिन अभाव में भी संभावना है कि अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल में हमने जो ये सबसे नीचे वाला पार्ट बनाया, इसको हमने सूचना नाम दिया। चूँकि जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इससे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ज्ञान क्या होता है, क्योंकि एक बार ज्ञान हो जाए ना, फिर इंसान भटकता नहीं है। महात्मा बुद्ध को भी जब ज्ञान हो गया, वो सांसारिक मोहमाया को समझ गए, तो वो निकल पड़े समाज सेवा करने के, लोगों को सिखाने के लिए कि किस प्रकार आप मुक्त हो सकते हैं इस जीवन से।
यानी कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद में आदमी ऐसी स्थिति में होता है कि ठीक है अब इसमें कोई दिक्कत उसे नहीं रह गया। तो ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, उसके बीच का रास्ता क्या है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो सबसे निचला वाला स्तर है, सबसे नीचे वाला जो स्तर है, इसको सूचना कहते हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। तो ज्ञान का जो सबसे निचला स्तर होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको बता दूं कि 90% विद्यार्थी अपने पूरे जीवन में ज्ञान का मतलब सूचना को समझते हैं, इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपसे मैंने कहा कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, आपने फटाक से जवाब दिया अवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा बता दिया एम एफ हुसैन ने। ये क्या है? एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन है। क्या है? एक प्रकार का सूचना है कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, अवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया और दूसरा बनाया एम एफ हुसैन ने। ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन मात्र है और अधिकतर विद्यार्थी यहीं पर टिके रह जाते हैं। अब होता क्या है कि जब तक आप इस पीक पर नहीं पहुंचेंगे, यानी कि आपका ज्ञान कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो आपके मस्तिष्क में स्थान नहीं बना पाएगा। तो ये जो दूसरा स्तर है, जिसे आप अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, समझ कहते हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचें, अपने इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक कैसे लेके आए, इसको समझना है। यही खेल है, यही समझना है आपको। तो हम दूसरे स्तर में ज्ञान के हैं, जहाँ पर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि समझ कैसे विकसित होती है। हमने ये तो समझ लिया कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हमने समझ लिया। अब समझ कैसे विकसित होगी? इससे विकसित होगी कि जब मैंने आपसे पूछा कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो आपने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। आपका समझ कब बनेगा? जब आप ये खोजने का प्रयास करेंगे कि भारत माता कौन है। आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भारत माता आखिर हैं कौन, कौन है भारत माता। जो दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि भारत माता तो आपने समझ लिया, पहले त्रिभुज हम बना देते हैं, ठीक है, भारत माता तो आपने समझ लिया। इसके बाद में ये समझेंगे कि किस शैली में रविन्द्रनाथ ने बनाया, किस शैली में एम हुसैन ने बनाया, भारत माता से रिलेटेड, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला था, इसको इसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें थी, ठीक है, इसके इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें थी वो आपने पढ़ ली कि इमाम हुसैन ने बनाया, इमाम हुसैन ने जब बनाया तो उसका विरोध हुआ, उनको देश छोड़ना पड़ा, वो कतर जाकर के नागरिकता लेते हैं, लंदन में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि देश में वापस नहीं आते हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब भारत माता का चित्र बनाया तो उसने भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसको एक नई चेतना दे दी। तो जब आप इतनी सारी बातें उसके इर्द गिर्द पढ़ लेते हैं, तब क्या होता है, वो आपके दिमाग में एक जगह बनाता है जिसको कहते हैं समझ, अंडरस्टैंडिंग। अब जो ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है, जिसे उपयोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उपयोग कहते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं अप्लीकेशन, ठीक है, कैसे प्रयोग किया जाता है, अनुप्रयोग क्या है। तो उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग ऐसे करना है कि जैसे मान लीजिए, मैं एक ही बात में फिर से दोहरा रहा हूँ, मैंने पूछा आपसे कि भारत माता का चित्र किसने बनाया, आपने फटाक से जवाब दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन। जब आपने उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को पढ़ लिया तो वो क्या हो गया, आपका समझ हो गया, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक आप पहुंच गए, चीज़ें थोड़ी मजबूत हुई आपके दिमाग। और जो एप्लीकेशन का लेवल है, यानी कि जब आप चरम स्थिति पर पहुंचते हैं ज्ञान के, तो आप क्या होता है, जैसे आपसे किसी ने पूछा, आपने बताना शुरू कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने के उद्देश्य से जब बहुत सारे काम हो रहे थे, तो उनमें से एक काम किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, भारत माता का चित्र बनाया। ये हो गया कि ये एप्लीकेशन के लेवल तक आपका ज्ञान हो गया कि अब आप अपने तरीके से उसको बता सकते हैं, आप एक नई व्याख्या उसकी दे सकते हैं, इसके बाद आप कोई चीज़ भूल कर दिखाइए। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि जब आप इस लेवल तक किसी चीज़ को लेकर चले जाते हैं, बचपन में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी, कई बार आप सोचते सोचते उसको इस लेवल तक ले आते हैं और वो चीज़ें कभी भूलती नहीं हैं आपसे। तो जब आप अपने पढ़ाई को इस लेवल तक, इस पीक तक पहुंचा देंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, और ये कोई ऐसी हवा में, कोई मैं जादूगर नहीं हूं कि मैं ऐसे बोल दिया कि कोई मंत्र है आप याद कर लेंगे, ये साइंटिफिक है, आप भूलेंगे नहीं।
आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि हमने कल कुर्बे के बारे में कुछ पढ़ा था और मैं भूल गया, आज मैंने जेरी कार्ड के बारे में कुछ पढ़ा था मैं भूल गया। आप ये भूलेंगे नहीं तब, और हमारी जो पढ़ाई होने वाली है हम इसी प्रकार पढ़ाई करेंगे, हम सिर्फ सूचनाओं तक नहीं ठहरेंगे, हम समझ को भी विकसित करेंगे और उसके अनुप्रयोग में भी जाएंगे, और उसके बाद आप देखना कि बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। ठीक है, चलिए अब क्लास की बात करते हैं। समय मैंने लिया लेकिन ये समय ज़रूरी था क्योंकि आपने इससे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो गुफा है चूना पत्थर से बना हुआ है, ये लगभग 300 गज क्षेत्र में विस्तृत है, किंतु केवल कलाबीथी में ही चित्र उपलब्ध हैं। जो चित्र हैं वो कहाँ पर उपलब्ध हैं, कलाबीथी में ही उपलब्ध हैं। इसका क्षेत्र बड़ा है, ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि नाम बड़े और काम छोटे। ठीक है, जैसे कुछ बड़ी बड़ी तथाकथित कोचिंगों का है तो वैसा वाला स्थिति है कि 300 गज क्षेत्र में फैला हुआ है लेकिन चित्र कहाँ पर मिलते हैं, केवल कलाबीथी में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि यहाँ जो चित्र बने हैं अल्तामीरा में, चित्र बने हैं वो छत पर बने हैं और इसके अलावा भित्ति पर बने हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल कई बार पूछा जाता है कि अल्तामीरा में जो चित्र बने हैं वो कहाँ बने हैं, तो भित्ति पर भी बने हैं और छत पर भी बने हैं, जो कि अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक हैं, ज़्यादा कलात्मक हैं, यानी कि उसमें जो कला के गुण हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस गुफा की छत 6 से 7 फुट ऊंची है, यानी कि 6 से 7 फुट ऊंची का मतलब कि आपके घर में जो ठीक ठाक लंबे लोग होंगे उनकी हाइट कितनी होगी, 6 फीट होगी, और उसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो 7 फीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या 6 फीट हाइट का जो गुफा है उसमें सामान्य आदमी जी घुस पाएंगे, सर टकराने का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा, और यूरोप के लोग तो वैसे भी लंबे होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में या इंडिया के अगर पड़ोसी चाइना में चले जाएं तो चाइना के लोग बड़े छोटे होते हैं। ठीक है, अब वो उनका भौगोलिक कारण है। ठीक है, तो यूरोप के लोग लंबे होते हैं भौगोलिक कारण की वजह से। ऐसी स्थिति में 6 से 7 फुट मात्र ऊंची जो गुफा है उसके भीतर जाना इजी नहीं था। और यहीं पर इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी एक निकलेगा, और वो फैक्ट ये है, यहाँ पर आप देखेंगे इन चित्रों का सर्वप्रथम परिचय मारेलिनो दा सात ओला ने किया। ठीक है, सात ओला ने किया, और ये जो चित्र थे उनको देखने का काम सबसे पहले किसने किया, उनकी 12 वर्षीय पुत्री मारिया सातो ओला ने किया। ठीक है, अब इसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा जोड़ के आपको बताया कैसे कि आपके घर का जो छत है वो कितना होता है, 10 से 15 फीट ऊंचा होता है, तो आप इजीली उसमें प्रवेश कर जाते हैं। किसी 6 फुट हाइट वाले घर में घुसने की कोशिश कीजिएगा, नहीं घुस पाएंगे। तो उसमें कौन घुसेगा, छोटा सा बच्चा होगा जिसकी हाइट भी 3 फुट है 4 फुट है, वो बहुत इजीली उसमें घुस जाएगा। तो ये जो मारेलिना साहब थे, इनकी जो पुत्री थी वो अंदर जाती है और उस चित्रों को देखती है। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, लोग भूल जाते हैं अक्सर कि किस गुफा में थी, कौन था, कैसे था। थोड़ा सा इसको कहते हैं ना नमक मसाला लगा के पढ़ेंगे, तो थोड़ा जोड़ के पढ़ेंगे तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इसकी खोज कब हुई, 1879 ईस्वी में। ठीक है, 1879 ईस्वी में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 या 7 फुट है, कहीं कहीं पर 6 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर 7 लिखा हुआ है, जिसमें टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है और कक्ष हैं, यानी कि जो गुफा है उसमें टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है और उसमें कुछ कक्ष हैं। इसका मुख्य मार्ग 2 से 6 मीटर की ऊंचाई तक का है। ठीक है, इसमें पाए अवशेष प्राचीन पत्थर युग के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो पत्थर युग है उससे जुड़े हुए इसके अवशेष मिलते हैं। पूरी गुफा में चित्रकारी की गई है। स्पेशल बात क्या है, कि चित्रकारी की गई है वो पूरी गुफा में की गई है। ठीक है, इसको बनाने के लिए चारकोल और हेमाटिट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चित्र को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, चारकोल और हेमाटिट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें घोड़े और बकरियों के चित्र बने हैं। इसमें किसके चित्र बने हैं, घोड़े और बकरियों के चित्र बने हैं। ये जब सवाल आपको मिलेगा तो आप इसे सोचेंगे कि अच्छा, घोड़े के चित्र कहाँ मिले हैं, अल्टामीरा में मिले हैं, बकरियों के चित्र कहाँ मिले हैं, अल्टामीरा में मिले हैं।
इसमें हाथ की उंगलियों से बने फीते जैसी संरचना मिलती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें हाथ की उंगलियों से बने फीते जैसी संरचना मिलती है। ये संरचना गीली सतह पर बनी है, यानी कि किस पर बनी है, गीली सतह पर बनी है, यानी कि जैसे आपने कोई एक दीवार टाइप का है और आपने इस पर जो है गोबर की लगा दिया, यानी कि जो ओपले वाला गोबर होता है, गाय का गोबर होता है, काउडंक होता है, उसको लगा दिया और आपने उंगली से इस पर कोई निशान इस तरीके से बना दिए, तो ऐसा कुछ वहाँ पर देखने को मिलता है। इस गुफा में 25 बहुरंगी चित्र मिलते हैं, ठीक है, कितने, 25 बहुरंगी चित्र मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अल्टामिरा के बारे में है, ठीक है। अल्टामिरा आपका जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, ठीक है। तो ये हुआ आपका अल्टामिरा के बारे में। अल्टामिरा आपका कहाँ स्थित है, स्पेन में स्थित है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर हैं जो आपने अभी पढ़ा। अब हम इससे आगे बात करेंगे और कुछ और गुफाओं को देखेंगे। स्पेन में स्थित जो अगली गुफा है आपकी, वो है पिंडाल की गुफा। कौन सी गुफा, पिंडाल की गुफा। चलिए इसको देखते हैं। ये चित्र आप देखेंगे, ये पिंडाल की गुफा में चित्र मिला है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो है हाथी जैसा कुछ चित्र दिखता है और जो इसके हृदय के पास की जगह है, यहाँ पर दिल बना हुआ है, ठीक है, दिल। मेला बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा वाला दिल है, तो ये दिल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो हम मॉडर्न लोग हैं ना, इन्होंने प्यार के सिंबल को दिल बनाया हुआ है। ये देखिए, जो प्रागैतिहासिक मानव था उसने भी अपने चित्र में दिल जैसा कोई सिंबल बनाया है। तो ये अवधारणा बहुत पुरानी है, ठीक है, कोई नई अवधारणा नहीं है। इसके बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है मैं आपको दे रहा हूँ। ये गुफा 400 गज लंबी है। यह विशाल हाथी यानी कि मैमथ का चित्र यहाँ पर मिला है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चित्र है, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि किसका है, विशाल हाथी का है या उसके जो है या मैमथ का है, किसका है, ठीक है। तो जो कहीं कहीं पर आपको ये आपको विशाल हाथी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर मैमथ लिखा मिलेगा, तो दोनों मैंने यहाँ पर बता दिया। हाथी के चित्र पर शरीर के मध्य में लाल रंग का पान के पत्ते के समान चिन्ह है जो हृदय की स्थिति को बताता है। कहते नहीं है कि दिल टूट गया, जब दिल टूटने की बात होती है तो कैसे बनाया जाता है, ऐसे दिल और इसके बीच में तीर लगा देते हैं, जैसे कि दिल को चीर करके निकल गई, ठीक है। तो दिल क्या है, एक प्रकार का आपके हृदय के धड़कन का एक सिंबल होता है। तो प्रागैतिहासिक मानव भी कुछ उसी प्रकार के सिंबल का प्रयोग करता था, ठीक है। और ये कहाँ पर मिला है, पिंडाल की गुफा में मिला है। अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, पिंडाल की गुफा को प्रेम की गुफा आप कह लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हाथी या मैमथ जो है उसमें दिल का एक सिंबल मिलता है। तो आप इसको पिंडाल की गुफा को प्रेम की गुफा कह लीजिए याद करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मछली व विशाल महिष का चित्र भी यहाँ पर मिलता है। मछली और विशाल महिष का चित्र भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये था पिंडाल की गुफा के बारे में। एक अगला गुफा है आपका कोवाला नाश की गुफा। यह भी स्पेन में स्थित है। कई किताबें आपके पास ऐसी होंगी जहाँ पर एक गुफाओं इन गुफाओं का चर्चा ही नहीं होगा। इन गुफाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन जितनी उपलब्ध है उतनी मैं आपको दे रहा हूँ। ये कैंटाब्रिया के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ये थोड़ा सा इसको एडिट करना होगा, कैंटाब्रियन क्षेत्र में, ठीक है। तो कैंटाब्रिया क्षेत्र में यह भी स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, स्पेन में स्थित है। इस गुफा की खोज कब हुई, 1903 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1903 ईस्वी में। कौन सी गुफा है, कोवाला नाच की गुफा, ठीक है। यहाँ के चित्र में मृग तथा मृगी समूहों का प्राधान्य है, ठीक है। तो मृग और मृगी के समूह का प्रधानता कहाँ मिलता है, सवाल आपसे कई बार टीजीटी में पूछा गया, कोवाला नाच की गुफा में कई बार पूछा गया, लेकिन इसका जवाब आपको सिर्फ कहाँ मिल जाता है, यूथ की किताब में मिल जाता है, घटनाचक्र में मिल जाता है। किसी महोदय अच्छे किताब वालों ने इसको लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, ठीक है। होगा किसी किताब में, मैं नहीं कर रहा हूँ कि किसी किताब में है ही नहीं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कुछ किताबें हैं उनमें देखने को जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ पर प्राप्त सभी चित्र लाल रंग के बने हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोवाला नाच की गुफा में, कोवाला नाच की गुफा में जो चित्र हैं वो सभी लाल रंग के बने हैं। यहाँ पर प्रवेश द्वार से 6 गज भीतर 2 गैलरी है, ठीक है। प्रवेश द्वार से जब आप 6 गज अंदर जाते हैं तो आपको 2 गैलरी यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अगली गुफा देखते हैं, कुगडेल कास्टलो की गुफा।
कुगडेल कास्टलो की गुफा, और इसकी खोज भी कब हुई, 1903 ईस्वी में हुई। यानी कि कोआला नाच की गुफा और कुगडेल कास्टलो की गुफा दोनों का जो खोज हुआ कब हुआ, 1903 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर हिमयुगीन मानव के पदचिन्ह अंकित हैं, ठीक है। हिमयुग का जो अंत है वो कब हुआ, हिमयुग का जो अंत है वो पुरापाषाण काल के अंतिम समय में होता है, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का जो कालखंड है उसी में हिमयुग की समाप्ति होती है, होमोसेपियंस का उदय होता है, ठीक है। तो ये चूंकि जो पीरियड है ना, ये पुरापाषाण काल का आरंभिक पीरियड है, क्योंकि अल्तामीरा के समकक्ष की जो गुफाएं हैं वो एकदम प्राचीन काल की हैं। तो ये क्या है, ये हिमयुग है, यानी कि जिसमें आइस हर तरफ थे। तो ये यहाँ पर किसके चिन्ह मिलेंगे, हिमयुगीन मानव के चिन्ह यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाथों के 44 चित्र प्राप्त होते, जिनमें से 35 बाएं हाथ के तथा 9 दाहिने हाथ के चित्र प्राप्त होते हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि हाथों के पंजे चित्र कहाँ पर मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, कुगडेल कास्टलो की गुफा में मिलते हैं। ये फ्रेंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में है, लेकिन किस पार्ट में है, स्पेन वाले पार्ट में है, ठीक है। आगे देखते हैं कोगुल की गुफा। कोगुल की गुफा में 32 चित्र मिले हैं, कितने, 32 चित्र मिले हैं। इसका प्रसिद्ध चित्र नर्तकी के समूह का चित्र है, जो इसका प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है, नर्तकी के समूह का चित्र है। आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कुछ टेस्ट के माध्यम से, जैसे जो कुछ पॉइंट छूट जाएंगे उनको मैं टेस्ट के माध्यम से कवर कर लूँगा। उसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका जवाब भी हम ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, फ्रेंको कैटाब्रियन क्षेत्र में जो स्पेन वाला पार्ट है, यानी कि उत्तरी स्पेन की जो गुफाएँ हैं, उन सारी गुफाओं को हमने पढ़ा, विस्तृत चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कल वाली जो वीडियो होगी उसमें हम फ्रांस वाले क्षेत्र की बात करेंगे और उनकी सारी गुफाओं को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार हमारी पूरी क्लास चलेगी। जिन लोगों को हमारा टेस्ट लेना है, यानी कि डेमो के लिए परेशान थे, उनके लिए भी ये वीडियो उपलब्ध है, वो देखें। इसका PDF भी ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, और टेस्ट भी 2 दिन आप दें, उसके बाद तय करें कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो अच्छी बात है, नहीं लेना है तो आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।